श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूज्य गुरु जी प्रदीप जी मिश्रा जी की महाराष्ट्र में सत्यम शिवम सुंदरम शिव पुराण कथा चल रही है। इसका आज दूसरा दिन है। कल के कथा में गुरु जी ने कई महत्वपूर्ण बातें बताई। पूज्य गुरु जी अपनी कथा में बेलपत्र के अनेक उपाय बताते हैं, जिनसे लोगों को फायदा भी होता है। आज बेलपत्र के तीनों पत्तों पर शोध चल रहा है कि इसमें ऐसी क्या चीज़ है जिससे लोगों को फायदा होता है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि बेलपत्र खाने से बीपी थायराइड जैसी बीमारियां ठीक हो जाती है। इसके लिए बेलपत्र शिव जी पे चढ़ा के आप उसको खा लीजिए। इससे आपकी बीपी थायराइड ब्लड कैंसर जैसी कोई भी बीमारी है ठीक होने लगेगी। जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं चल रही है और परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही है, अटकलें ज़िंदगी की ख़त्म नहीं हो रही है, परेशान हो गए हैं अभी क्या करें, इसलिए गुरुजी ने बताया है कि पांच बेलपत्र का उपाय, नया उपाय बताया है। तो उसके लिए आपको पांच बेलपत्र लेने हैं और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर से लेके शिव मंदिर जाना है। पांच बेलपत्र शिव जी पे सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर चढ़ाना है, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता पार्वती के हस्त कमल पर और एक पत्ता शिवलिंग पर अर्पित करके आपको एक लोटा जल भी है आपको पांचों स्थानों पर अर्पित करना है, जैसे गणेश जी के स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान और अशोक सुंदरी के स्थान और माता पार्वती के हस्त कमल, फिर शिवलिंग पे अर्पित करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप कर आपकी जो मनोकामना है आप मन में बोलें कि बाबा मेरा ये काम है अधूरा है, अटका हुआ है, जिंदगी की अटकलें मेरी जो समस्याएं हैं ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, और बाबा से निवेदन करें, झोली पसारें, अपनी झोली फैला के अपनी मनोकामना बाबा को बोलें तो आपका कार्य है शीघ्र ही पूरा होगा। आपका जो भी जिंदगी में परेशानियां हैं, दुख दरिद्रता है, वो सब खत्म हो जाएगी। विनती कीजिए कि आपकी ये परेशानी है तो बाबा इसे जल्द ही आपकी जो भी समस्या है दूर करेंगे। किसी भी प्रदोष के दिन आप प्रदोष के समय ये कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी के बताए ऐसे उपाय जानने के लिए